नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीवन कुमार और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने घर पर दही से मक्खन निकालने वाली मशीन को बना सकते हो, वह भी मात्र 10 रुपए में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपने घर पर दही से मक्खन निकालने वाली मशीन को बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी वर्किंग टेबल पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से अपने घर पर मधानी मशीन को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक डीसी मोटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, और दूसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आपके पास में यह जो प्रॉपलर होता है दोस्तों, ये आपको बनाना होगा दोस्तों। तो आप इसको किस प्रकार से बना सकते हो, आप इसको पाइप की सीट से बना सकते हो बहुत ही आसानी से। और तीसरे नंबर पर आपको दोस्तों क्या लेना है, आपके पास में इस प्रकार का अगर कोई ढक्कन हो, इस प्रकार का ढक्कन, तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से इस मधानी मशीन को बना सकते हो अपने घर में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों आपके पास इस प्रकार के अच्छे से वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास में ढक्कन है, और दोस्तों इस ढक्कन में मैंने पहले से एक होल यहाँ पे कर लिया ताकि हमारी जो वीडियो है वह लंबी ना बने ज़्यादा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो इसको फिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दो छेद करने होंगे, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे छेद कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इसमें मोटर को फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको मोटर को इस प्रकार से, यह तो हमने बोल्ट लगाए हैं, इसको हमने इस प्रकार से फिट कर लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसको कस दिया है ताकि ये हमारी मोटर हिले ना। तो चलिए दोस्तों हम अब क्या करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं ये हमने बनाया है दोस्तों, यह इस प्रकार से घूमता है दोस्तों, इस प्रकार से रही घूमती है, हम इस प्रकार से फिट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से इसमें फिट कर लेते हैं, फिर आपको हम इसका टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से इसमें एक ये साफिट लगा ली है ताकि हमारी इसमें मोटर बहुत ही आसानी से फिट हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस मोटर को इसमें बहुत ही आसानी से फिट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस मोटर को करंट दे दिया है, और आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये मोटर कितना ज़्यादा यहाँ पे तेज चल रही है, कैसे घेरा टाइप का बना रही है। और आप दोस्तों अपने देखिए मक्खन को इसके 10 मिनट में 15 मिनट में निकालते हैं, लेकिन ये मोटर आपका काम बहुत ही आसानी से कर देगी, ये मात्र 1-2 मिनट में ही आपके दही से मक्खन को निकाल देगी बहुत ही आसानी से। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी है मोटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपके पास में इस प्रकार की अच्छे से वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।